बिहार के फुलवारी शरीफ के गोनपुरा महादलित बस्ती के झोपड़पट्टी में रहने वाले प्रेम कुमार को 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। प्रेम के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसकी माँ का निधन हो गया है। आपको बता दें कि बिहार की माटी के लाल ने कमाल कर दिया है। दिहाड़ी मजदूर के 17 वर्षीय बेटे को अमेरिका में स्नातक की पढ़ाई के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। इसे स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए उसने एग्जाम दिया था, जिसमें पूरी दुनिया में उसे 6वां स्थान मिला है। अब दिहाड़ी मजदूर का बेटा अमेरिका में पढ़ाई करेगा। इस युवक का नाम प्रेम है। उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका के लफायटे कॉलेज से 2.5 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिला है। बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ के गोनपुर के रहने वाले प्रेम कुमार को यह स्कॉलरशिप लफायटे कॉलेज अमेरिका ने दिया है। इस स्कॉलरशिप के लिए भारत से 6 नाम भेजे गए थे। फुलवारी शरीफ के गोनपुरा महादलित बस्ती के झोपड़पट्टी में रहने वाला प्रेम कुमार ने यह 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप अपने पढ़ाई के दम पर हासिल कर लिया। युवक के घर को आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। प्रेम झोपड़पट्टी नुमा घर में रहता है और उस घर के एक अंधेरे कमरे में लाइट जलाकर पढ़ाई करता है। अब वह अमेरिका के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करेगा। प्रेम कुमार ने बताया कि हमने काफी संघर्ष किया है, अगर संघर्ष नहीं होता तो यह उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। मुझे पढ़ाई के दौरान जो भी अवसर मिले हैं उसमें हिस्सा लिया है, अपनी मंजिल प्राप्त की है। हम अपनी गरीब परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी खेत में मजदूरी करते हैं और मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। प्रेम की सफलता को सुनते ही परिवार के लोग में खुशी का माहौल है। प्रेम की बड़ी बहन और पिताजी भी काफी खुश दिख रहे हैं। परिजनों ने कहा कि यह हमारे समाज नहीं पूरे देश को गर्व करने की बात है। परिजनों ने बताया कि लोगों को पढ़ना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए और इसी के आधार पर अपनी सफलता हासिल करनी चाहिए। बिना परिश्रम का कोई भी सफलता हाथ नहीं लगता है।